अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। एक नए हफ्ते में आपको खुशामदीद करते हैं आपके अपने शो में। उम्मीद है आप तमाम लोगों का वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा, और जो जो काम रहते हैं हम जैसे लोगों के लिए, काम करने वालों के लिए, जो हफ्ते भर के काम पाइल अप हुए हुए होते हैं, वो कोशिश होती है कि इन दो दिन में किए जाएँ। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि नहीं भी हो पाते बिकॉज दूसरी कमिटमेंट्स होती हैं। तो बहरहाल सैटरडे को मैंने क्या किया, सैटरडे को मैंने बच्चे नहीं आए थे घर पे सैटरडे को, बिकॉज बच्चों के ससुरालों में शादी चल रही है तो बच्चे वहाँ बिजी हैं, तो वो लोग नहीं आए थे। तो मैंने अपना पार्लर का, हफ्ते में एक ही दिन का टाइम मिलता है, तो मैंने अपने पार्लर का काम कराया, फिर घर के काम किए, कपड़े निकाले, कपड़े रखे, मतलब यही सारे काम, पूरा दिन समट जाता है। और फिर कल मेरी ग्रोसरी का दिन होता है एम्प्रेस मार्केट का, तो कल आधा दिन तो पूरा ग्रोसरी में चला जाता है। फिर वहाँ से ग्रोसरी से आओ, फिर आके आप अपनी सारी चीज़ें, जितनी ढेर सारी आप महीने भर की लाते हैं, उनको आप ठिकाने रखो, उनको जगह पे रखो, वो सारा काम होता है। तो कहाँ दिन जाता है पता नहीं चलता। फिर रात में बेटी की ससुराल में मिला था, इतना बेहतरीन कारी वही जफ़र साहब और ज़ुबैर पढ़ते हैं कि मज़ा आ गया, बहुत अच्छा। और बड़ी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने जो की कि अल्लाह ताला आपका रिस्क एक ख़ास वजह है जिसकी वजह से कम करते हैं। वो क्या वजह है वो मैं आपके साथ शेयर करके मैं किचन में चल रही हूँ। वो वजह ये है कि आप लोग शादियों में जाते हैं, ठीक है, और वहाँ आप लोग प्लेटें भर लेते हैं, इतनी प्लेटें भरते हैं आप लोग, जैसा कि आपको फिर और आगे खाना नहीं मिलेगा। खाना बहुत होता है, चलो जो भी करता है खाना एक्स्ट्रा ही पकवाता है, लेकिन बस वो एक हिरस और एक हवस के मारे आप लोग प्लेटें अपनी भर के टेबल के सामने फैला लेते हैं। इन दी एंड होता क्या है कि वो खाना आखिर में फिकता है, ज़ाया होता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट वजह है जिससे आपका रिस्क ख़त्म होता है, आपका रिस्क अल्लाह ताला खींच लेते हैं, बिकॉज वो नहीं चाहते कि आप खाने को ज़ाया करें या बर्बाद करें। तो प्लीज़ ख्याल रखिए कि अननेसेसरी आप इतना लो जितना आपको ज़रूरत है, आप इतना खाओ, और फिर अगर और लेना है तो खाना भरा हुआ है, आप जाके और दूसरी दफ़ा ले लीजिए, ठीक है, इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, आज क्या बन रहा है, आज हम आपके लिए बना रहे हैं माथर। माथर क्या है? माथर हमारी मेमनों की ख़ास स्पेशलिटी है जो सर्दियों में खाई जाती है। आई होप आप लोग ने गोंद पाक ट्राई किया होगा वीकेंड पे, अच्छा बना होगा, मुझे ज़रूर बताना। मेहनत थी, लेकिन देखें साल में एक दफ़ा ऐसी चीज़ें बनती हैं जो खाई जाती हैं, जो आप इंजॉय कर सकते हैं। आज का भी बहुत अच्छा, आज का तो ऐसा है कि आप उसको बॉटल भर के जार में रख दें, और सुबह आपने निकाला उसको, सुबह निकाल के आपने उसको थोड़ा सा माइक्रो में, इफ़ यू लाइक इट, मैं आई लाइक इट थोड़ा सा वार्म, तो ज़रा सा माइक्रो में आपने उसको चक्कर दिलाया, और फिर आपने उसको चाय के साथ या कॉफ़ी के साथ इंजॉय करें, बहुत मज़े का लगता है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने काउंटर की तरफ और स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आज का शो, जो कि हम करेंगे माथर से। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको लास्ट टाइम गोंद का तरीका बता दिया था, एडिबल गम जो कि गोंद होता है, आपको सूडान का गोंद लेना है, ठीक है, और इसमें मैं लूँगी गोंद 200 ग्राम, ठीक है, एक पाव से कम है। और मैंने यहाँ पे एक कप घी गरम करने रख दिया था ताकि मैं फटाफट इसको फ्राई करेंगे और निकालेंगे। इसमें गोंद को हमको पीसना नहीं है, साबुत डलेगा। देखें कितना ज़बरदस्त गोंद है सूडान का, ये कल ही मैंने लिया है असगर भाई से, एम्प्रेस मार्केट से, तो मिल जाता है वहाँ पे सारी चीज़ें, गुड़ गुड़ हर चीज़ वहीं की है।
अच्छा, इसमें कोई चीज़ जमने वमने का चक्कर नहीं है, वेरी इजी, वेरी सिंपल। ठीक है, आज की हमारी दूसरी रेसिपी है कफ्ता चिली फ्राई। इसके लिए माथर के लिए हमें गोंद फ्राई करना है, गुड़ चाहिए हमें, फिर आटा गेहूं के आटे से बनेगा ये। तीन डब्बे यानी तीन पाव मेरे पास आटा है 750 ग्राम, और नारियल है 1 कप, और बादाम पिस्ते आधा आधा कप। अच्छा, अब ये मैं निकाल लेती हूँ। अब इसी घी में मैं गुड़ डाल दूँगी थोड़े से दूध के साथ, ताकि गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाए। ठीक है, और दूसरी तरफ मैं एक और कढ़ाई रखती हूँ, उसमें मैं और घी डाल के मैं 3 पाव आटा अच्छी तरह से भूनने लगूंगी। ये मेरे पास गुड़, अच्छा बेटा, आधा किलो गुड़, थोड़ा सा दूध डालूंगी इसमें, जरा सा, 1/4 कप। चूल्हा बिल्कुल हल्का कर दीजिए और इसको हम मेल्ट करेंगे। इतनी देर मेल्ट करना है कि बस मेल्ट हो जाए, इसमें बबल्स नहीं बनने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं दूसरी कढ़ाई चढ़ा रही हूँ, उसमें मैं बस ये करके हम ब्रेक पे जा रहे हैं, सिर्फ रख रही हूँ आपके सामने। ठीक है, इसमें हम डालेंगे 750 ग्राम गेहूं का आटा और इसको हम अच्छी तरह भूनते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, ये देखें हमारा शीरा हो गया है, गुड़ का मेल्ट हो गया है, और यहाँ पे जो मैंने 750 ग्राम आटा गेहूं का रखा था मेल्ट कर भूनने के लिए घी में, उसमें से अब अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। ठीक है, अब इसमें मैं थोड़ी सी आधा कप जितनी 1/4 कप जितनी चीनी मिला लीजिए, और चूल्हा बंद कर रही हूँ, और इसमें मैं डाल रही हूँ ये शीरा, मतलब कुक कुक्ड क्या, गुड़। चूल्हा बंद कर दिया है और इसको आप अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
अब इसमें हम मिलाएंगे नारियल, ठीक है, आधा कप बादाम, आधा कप पिस्ते, इलायची पाउडर 1 से 1.5 टीस्पून। अच्छी तरह से इसको मिक्स कीजिए। ये आपका माथर रेडी है। इसको आपको जमाना वमाना कुछ नहीं है, ये ऐसे ही भुरभुरा सा रहेगा, थोड़ा सा ठंडा हो जाए और फिर इसको आप जार में भर दीजिए। ठीक है, मैं पीछे रख देती हूँ और मैं आ रही हूँ कफ्ता कबाब पे। ये देखें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, घी मैंने टोटल लिया है 2.5 कप लिखा है आपकी रेसिपी में, मैंने 2.5 कप बिल्कुल भी नहीं लिया है, मैंने 1.5 से 1.75 कप लिया है, ठीक है। अच्छा, एक दफ़ा जल्दी से समझा रही हूँ, आपने आधा क्वांटिटी घी ली, यानी आपने 1 कप घी लिया, ठीक है। घी को आपने किया गरम, गरम करने के बाद आपने उसमें 200 ग्राम या थोड़ा सा एक मुट्ठी कम कर लें अगर इतना नहीं चाहिए। ओह, मेरा दिमाग देखें, ये तो मिलाया ही नहीं असल चीज़। शुक्र है आपको रिकैप पे आ गई। गूंद जाएगा इसमें ऐसे ही, जबी तो जब ये आप खाएंगे तो आप में ताकत और जान आएगी। ठीक है, गूंद मैंने उसमें घी में आपके फ्राई कर लिया 1 कप में, और इसको हमने अलग रख दिया। अलग रखने के बाद फिर हमने दूसरी तरफ और आधा कप घी लिया, उसमें मैंने 3 पाव आटा, गेहूं का आटा जिससे आप रोटी पकाते हो, चक्की का आटा, उसको लेके आपने अच्छी तरह से भूनना है इतनी देर कि उसमें खूब अच्छी सी सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लग गई। ठीक है, फिर आपको करना क्या है कि आपने जब उसको भून लिया, फिर जो जिसमें हमने गोंद फ्राई किया था, जो थोड़ा सा घी बचा था, उसमें हमने डाल दिया गुड़, 1/2 किलो से थोड़ा सा कम गुड़ डाला, और उसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई किया, भूना कि गुड़ मेल्ट हो जाए विद वेरी लिटल मिल्क, 1/4 कप मिल्क के साथ, इतनी देर कि वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, उसमें ऊपर आपको बबल्स नहीं आने चाहिए। फिर आपको करना क्या है कि आपने जब आटा हो गया, गुड़ मेल्ट हो गया, तो हमने सारी चीज़ें इकट्ठे मिला लें, गोंद मिला लें, बादाम पिस्ते, नारियल, इलायची का पाउडर, सब कुछ इसमें मिला लिया, और अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर लें। देखा आपने, बस। अच्छा चलें, अब मैं यहाँ पे चॉपर रखवा रही हूँ, चॉपर इधर रखवाती हूँ मैं, और जो मेरे कफ्ता का इंग्रेडिएंट्स है, कफ्ता का, वो मैं इसमें डाल के पीस रही हूँ। क्या क्या डालूँगी आप इधर देखो, मैं डालूँगी चिकन मिन्स 1/2 किलो, उसके बाद मैं उसमें भुना हुआ बेसन डालूँगी 5 टेबलस्पून, खशखाश और काजू पिसे हुए, खशखाश भून के 1.5 टेबलस्पून, काजू भून के 2 टेबलस्पून, ये दोनों चीज़ें भुनी हुई पड़ी हुई हैं पिसी हुई। फिर क्रीम जाएगा 2 टेबलस्पून, टेट्रा पैक की क्रीम, पुदीने के 8 पत्ते, हरा धनिया 1/2 कप, ग्रीन चिलीज 4 चॉप्ड, ठीक है, यहाँ रखी हुई है मेरे पास। उसके बाद मैं डालूँगी
प्याज एक, कटी हुई भुना हुआ जीरा, नमक, कोरिएंडर पाउडर, चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ब्लैक पेपर और 2 टेबलस्पून तेल। ये सारी चीज़ें डाल के मैं इसको पीसती हूँ। आप बिल्कुल परेशान ना हो, वापस आऊँगी मैं दोबारा से रिकैप करूँगी इन सारी चीज़ों का ताकि आपको सही समझ आ जाए। हम लेते हैं इधर ब्रेक। वेलकम बैक जी। मैंने नहीं किया, मेरे डायरेक्टर साहब ने मुझे मना कर दिया, नहीं आपका सामने करना। मैंने कहा ठीक है जी, जैसा आपका हुक्म। अच्छा जी, मैंने आधा किलो कीमा लिया है, एक पाव रान का, एक पाव सीने का, ठीक है। इसको आप कीमा बनवा लें। इसमें हम डालेंगे 5 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन, चने का आटा। फिर इसमें जाएगा खशखाश 1.5 टेबलस्पून और काजू 15 लिए थे 2 टेबलस्पून। जहाँ आप बाहर रहते हैं जहाँ खशखाश बैंड है, देन यू यूज 30 काजू उमेट खशखाश, ठीक है। ये दोनों हैं, खशखाश और काजू, ओके। फिर हम लेंगे क्रीम 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून क्रीम चली गई। फिर पुदीने के पत्ते, पुदीने के पत्ते चले गए 10-12। हरा धनिया, आधा कप जितना चॉप्ड। अच्छा, फिर हम लेंगे हरी मिर्चें 4 चॉप्ड। संभालिएगा आँख में ना लग जाए भाई, तेज़ मिर्ची होती है, ठीक है। फिर हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन इटालिया का, वन टेबल स्पून, ओके। फिर हम डालेंगे इसमें अनियन, चॉप्ड अनियन, ठीक है। फिर हम इसमें डालेंगे भुना हुआ कुटा हुआ जीरा 1 टीस्पून, ओके। सॉल्ट 1 टीस्पून, फिर हम डालेंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर ऑल स्पाइस 1/2 टीस्पून, ओके। ब्लैक पेपर इटालिया का 1/2 टीस्पून, ठीक है। 2 टेबलस्पून जो ऑयल है वो हमको हाथ पे लगाने के लिए। ज़बरदस्त, ना इसमें अंडा है ना इसमें डबल रोटी है,
अब इसके आप गोल कफ्ता कबाब, गोल तो नहीं ऑब्लोंग, तेल जो लिखा है 2 टेबलस्पून वो आप अलग से ले लीजिए एक प्याले में, और तेल अपने हाथ पे लगा के आप इन कबाब का शेप देंगे। ठीक है, चले मैं आपको जल्दी से इसका शेप बता रही हूँ और फिर मैं आऊंगी इसकी ग्रेवी पे। इटालिया का थॉमस ऑलिव ऑयल, दो टेबलस्पून। मैं आपको एक दो बता रही हूँ फिर मैं दे देती हूँ ताकि मैं इधर अपनी ग्रेवी स्टार्ट कर दूँ। स्मूथ होना चाहिए बिल्कुल। ले लें, ठीक है, ये हम ब्रेक में कंप्लीट कर रहे हैं और जैसे ही हम ब्रेक से वापस आएंगे हम आके इसकी वो स्टार्ट करेंगे ग्रेवी। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब, ये देखें कबाब हमने कफ्ता बना लिए और बहुत थोड़े से इटालिया के पॉमेस ऑलिव ऑयल में मैंने इसको फ्राई किया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसकी आ रही हूँ ग्रेवी पे और इस कबाब के लिए मुझे एक मसाला बनाना है, वो है स्पाइस मिक्स, बता रही हूँ आपको। अब आपको हर चीज़ कराची में मिल जाती है, कोई आपके लिए इशू नहीं होगा, ज़ातर सुमक हर चीज़ आपको मिल जाती है और जब आप लाएं अपने घर ये बॉटल्स तो उसको खोल के इस्तेमाल करने के बाद फ्रिज में या फ्रीज़र में रखें, अभी तो सही रहेगा लेकिन गर्मी आएगी तो उसमें कीड़ा लग सकता है, तो यू हैव टू टेक केयर। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, ज़ातर मिक्स का आप देख लो, ज़ातर स्पाइस मिक्स के लिए मुझे ज़ातर चाहिए, ये ज़ातर है 1 टेबलस्पून, इसमें सुमक जाएगा 1 टीस्पून, ठीक है, फिर चिकन पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून। हे बच्चे खोल के नहीं रखते, इटालिया का चिकन पाउडर 1 टीस्पून,
चिकन पाउडर चला गया 1 टीस्पून, फिर इसमें जाएगा सॉल्ट 1/4 टीस्पून, चिली पाउडर 1/4 टीस्पून, फिर इसमें जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर इटालिया का 1/4 टीस्पून। ये इसको मिक्स कर लीजिए। ये हमारा हो गया स्पाइस मिक्स। अच्छा, तेल ज़ाया नहीं करेंगे, इसी तेल में हम ग्रेवी बनाएंगे जिसमें हमने कबाब फ्राई किए थे। आई हेट वेस्टिंग एनीथिंग। ठीक है, अच्छा ये देखें, इसको हमने मिक्स कर लिया। अब हमें करना क्या है, तेल गरम करके इसमें 1 बड़ी प्याज स्लाइस डालनी है आपको, और आपको इसको फ्राई करना है। अच्छा सा गोल्ड, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा कलर चेंज। इसको आप स्पाइस मिक्स को मिक्स कर लीजिए। ज़ातर 1 टेबलस्पून, सुमक 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट 1/4 टीस्पून, चिली पाउडर 1/4 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर 1/4 टीस्पून। ये हमारा हो गया स्पाइस मिक्स। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हमने प्याज डाल दी। प्याज के बाद हमें इसमें शामिल करना है लाल मिर्चें, ये गोल वाली बघार वाली 5 से 6 डाल दीजिए। हरी मिर्चें 3-4 डाल दीजिए लंबाई में कटी हुई। इसको फ्राई होने देंगे थोड़ा। ठीक है, फिर जब ये थोड़ा सा कलर चेंज करने लगेगी प्याज, तो हम इसमें डाल देंगे कबाब, कफ्ता डाल देंगे। कफ्ता डालने के बाद हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता, शिमला मिर्च, हरा धनिया बस, और फिर बोल में निकालें और ऊपर से ये छिड़क दें, थोड़ा अंदर भी छिड़क देंगे, बहुत आसान। और ऊपर से ये आपको थोड़ी पीनट्स फ्राई करके डालनी है। पसंद है तो डालें, नहीं पसंद है तो ना डालें, कोई इशू नहीं। इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल बेहतरीन। आपने वो देखा माथर जार में भर दिया। अच्छा सा खूबसूरत सा गोल्डन कर लें इसको, पीनट्स को। काले नहीं करने, जलाना नहीं है। देखें, ओके, अब मैं इसमें डाल रही हूँ अपने कफ्ता कबाब।
ये देखें हल्की हल्की प्याज ऐसी कलर चेंज कर ले। आधा किलो में 13 कबाब्स बने। बेटा एक मिनट दे दो बस। अच्छा इस पे मैं डाल रही हूँ शिमला मिर्च एक बारी कटी हुई, कड़ी पत्ता, ठीक है, और मैं इसमें थोड़ा सा स्पाइस मिक्स डाल रही हूँ और थोड़ा सा हम ऊपर डालें। क्या खुशबू है। 5 मिनट इसको मैं बंद कर रही हूँ, सिर्फ 5 मिनट दम पे, और फिर उसको हम डिश आउट करेंगे और ऊपर से ये डाल दीजिएगा पीनट्स, ठीक है। मिलते हैं आपसे रिकैप ब्रेक के बाद। परेशान नहीं होना है, मैं वापस आके आपको फिर समझाऊंगी। स्टे विद मी। काफ्ता चिली फ्राई, काफ्ता के अज्जा, चिकन का कीमा आधा किलो, भुना बेसन 5 खाने के चमचे, भुनी और पिसी खशखाश 1.5 खाने के चमचा, भुने और पिसे काजू 2 खाने के चमचे, क्रीम 2 खाने के चमचे, चॉप्ड पुदीने के पत्ते आधा कप, चॉप्ड हरी मिर्चें 4 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, प्याज 1 अदद, भुना जीरा 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे। फ्राइंग के लिए स्लाइस प्याज 1 अदद, कटी हरी मिर्चें 6 अदद, गोल लाल मिर्चें 6 अदद, कड़ी पत्ते 15 अदद, शिमला मिर्च आधी, चॉप हरा धनिया 4 खाने के चमचे, मूंगफली मुट्ठी भर, स्पाइस मिक्स सीजन करने के लिए जातर 1 खाने का चमचा, सुमक 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1/4 चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा। तरकीब, काफ्ता के तमाम अज्जा चॉपर में पीस लें, फिर हाथ को तेल से ग्रीस करके बॉल्स बनाएं और तेल गरम करके 2 से 3 मिनट फ्राई कर लें। कढ़ाई में तेल गरम करके स्लाइस प्याज फ्राई करें, इसमें पिसी लाल मिर्च, गोल लाल मिर्चें, मूंगफली, जातर, सुमक, चिकन पाउडर, नमक, काली मिर्च और हरी मिर्चें डाल के फ्राई कर लें। अब फ्राई काफ्ता डाल के फ्राई करें, फिर कड़ी पत्ते, शिमला मिर्च और हरा धनिया मिला के फ्राई कर लें। अब इन्हें बोल में निकाल कर स्पाइस मिक्स छिड़कें और गर्म गर्म सर्व कर दें। मत्थर अरसा, गंदुम का आटा 750 ग्राम, गोंद 200 ग्राम, गुड़ 2 कप, पिसी चीनी आधा कप, घी 2.5 कप, कद्दूकश नारियल 1 कप, स्लाइस बादाम आधा कप, स्लाइस पिस्ते आधा कप, पिसी इलायची 1/2 चाय का चमचा। तरकीब, आधा घी गर्म करके गोंद फ्राई करें और निकाल लें, बाकी घी गर्म करके गुड़ और गंदुम का आटा 15 मिनट धीमी आंच पर पकाएं, फिर बाकी अरसा डाल के मिक्स करें और जार में भर दें। जल्दी से जातर मिक्स कर सुन लीजिए, जातर 1 टेबलस्पून, सुमक 1 टीस्पून, चिकन पाउडर इटालिया का 1/2 टीस्पून, सॉल्ट क्वार्टर, ब्लैक पेपर क्वार्टर, चिली पाउडर क्वार्टर, सबको मिलाया, आधा अंदर डाला आधा ऊपर डाला, ठीक है। आज का रिपीट होगा रात 10 बजे, ज़रूर से देख लीजिएगा, दोनों रेसिपी ज़रा देखने वाली हैं, तो एक दफ़ा देख के समझ लें तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। इसी के साथ मुझे, मेरी टीम को आपसे इजाज़त चाहते हैं, हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। कल इंशाल्लाह आपसे शेफ शाहिद के साथ मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।